मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजस्थान का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास के अंदर बात कर रहे थे खनिज के बारे में, खनिज संसाधनों के बारे में हम बात कर रहे थे राजस्थान के अंदर, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी आयरन और खनिज के बारे में, उसके बाद हमने बात की थी टंगस्टन खनिज के बारे में, तो ऐसे खनिजों के बारे में हम राजस्थान के अंदर इनको डिस्कस कर रहे हैं, जो खनिज कहाँ राजस्थान में पाए जाते हैं उन खनिजों के बारे में। जिसमें हम पहले बात कर रहे हैं धात्विक खनिजों के बारे में, जो जिनके अंदर धातु की मात्रा प्राप्त होती है उन खनिजों के बारे में हमने बात की है। और इसके बाद इन खनिजों के बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तांबे के खनिज के बारे में, कि राजस्थान के अंदर तांबा खनिज की क्या स्थिति है, कहां पर प्राप्ति है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉपर की बात कर रहे हैं, तांबे के खनिज की बात कर रहे हैं, तांबा एलोय जो धातु होती है उन पदार्थों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पदार्थों में तांबे खनिज को माना जाता है। और इसमें तांबा जो पदार्थ है ये बहुत ही लचीला होता है, और सबसे बड़ा जो तांबे का उपयोग होता है वो बिजली के उपकरणों में होता है, बिजली के तारों में होता है। क्यों? क्योंकि तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक के रूप में होता है, संचालक के रूप में होता है। तो इस तरीके से तांबे का जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो मुख्य रूप से बिजली के उपकरणों में ही इसका अधिकतम उपयोग किया जाता है। तांबे की खान राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन जो इसका मुख्य क्षेत्र है वो मुख्य रूप से खेतड़ी, सिंघाना, अलवर जिले में खोदरीबा, ये जो खान है ये इसकी महत्वपूर्ण खान है जो राजस्थान के अंदर तांबे का प्रोडक्शन कर रही है। तो इस तरीके से राजस्थान में तांबे की जो खान है राज्य के अंदर तांबे की बात की जाए तो जो राज्य में तांबे के भंडार हैं उसकी मात्रा राजस्थान में लगभग 13 करोड़ टन से भी अधिक का भंडार यहाँ राजस्थान के अंदर होने का अनुमान है। ये माना जाता है कि राजस्थान राज्य के अंदर तांबे के जो भंडार हैं उसकी मात्रा लगभग 13 करोड़ टन तांबे के भंडारों का यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है,
ये संभावना है कि राजस्थान में तांबे के जो भंडार है वो लगभग 13 करोड़ टन से भी ज्यादा है। राजस्थान के अंदर 1985 में कच्चे तांबे का जो उत्पादन है वो लगभग 15 लाख टन हुआ था, जो 2010-11 में इसकी मात्रा 2010-11 के समय में राजस्थान के अंदर जो प्रोडक्शन था ये लगभग 971,000 टन से भी अधिक मात्रा में राजस्थान के अंदर इसका उत्पादन हुआ था। तो राजस्थान में जो इसके भंडार हैं उसकी मात्रा के आधार पर प्रोडक्शन भी कम मात्रा में किया जाता है। राजस्थान के अंदर जो इसके उत्पाद अच्छे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले महाराष्ट्र ये क्षेत्र मुख्य रूप से जुगनू जिले के अंदर स्थित है, और तांबे की ये जो खान का क्षेत्र है ये खानी मावंटा जो स्टेशन है मानपा, यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर ये खान स्थित है, जहाँ तांबा आयात मुख्य रूप से कोलहन और मानपा आटोपोलाइट खदान है जो सिंघाना के पास में है, वहां से खेतरी क्षेत्र से पपरदा के पश्चिम दिशा में अखवाली की जो खान है वहां से, और बाबाई के पश्चिम में पुरानी जो खदानें हैं और बरपेरा जैसी खानों के क्षेत्र से, इन खानों से तांबे जो है इसका प्रोडक्शन यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। तो इन क्षेत्रों से खेतड़ी सिंघाना के क्षेत्र से मुख्य रूप से कुछ जो खाने हैं जिनसे यहाँ पर प्रोडक्शन प्राप्त किया जाता है, जिनमें बाबाई की खान, अखवाली की खान और बरखेड़ा की खान, कोल्हान और मंदान की खान, इन सभी खानों के क्षेत्रों से तांबे के अयस्क की यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, इसकी प्राप्ति यहाँ पर की जाती है। तांबे की जो मुख्य खान है वो मुख्य रूप से खेतड़ी के पास में जो सिंघाना है वहां पर तांबे की मुख्य खान है, जहां इनको निकालने का जो कार्य है वो हिंदुस्तान तांबा निगम खेतड़ी के द्वारा इसको निकालने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि खेतड़ी की जो खान है यहाँ से हिंदुस्तान तांबा निगम जो सरकारी उपक्रम है उसके द्वारा यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। और देश का जिन जो स्मेल्टर होता है कॉपर स्मेल्टर, यानी कि तांबे के शोधन का कारखाना जहां पर जो निकला हुआ अयस्क है तांबे का उसको शुद्ध किया जाता है, शोधन किया जाता है। तो देश का जो तांबा शोधन कारखाना है वो मुख्य रूप से खेतड़ी के अंदर ही स्थापित किया गया है, यानी कि यहाँ पर इसका प्रोडक्शन की मात्रा में हो रहा है उस
शुरुआत से ही इसका प्रोडक्शन भी यही प्रारंभ होने के कारण इसका जो शोधन करने का कार्य है, शोधन कारखाना है, तो वो इसी क्षेत्र के अंदर खिंचड़ी में ही इसको स्थापित किया गया है। वर्तमान समय में ही प्रदूषण निवारण करने के लिए 3 करोड़ की लागत से यहाँ पर एक संयंत्र की स्थापना की है और खेतड़ी तांबा संयंत्र जो है इसके उत्तर की दिशा में बनवास क्षेत्र है, जिसमें 2 करोड़ टन तांबे के आयात के भंडार का अनुमान है। यानी कि ये जो तांबा क्षेत्र है इसके पास में ही उत्तर दिशा में बनवास क्षेत्र है, जहाँ पर तांबे के भंडार की बहुत बड़ी मात्रा लगभग 2 करोड़ टन की मात्रा का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। इस परियोजना का जब विकास हो जाएगा तो यहाँ पर 2000 टन तांबा आयश का उत्पादन होने लगेगा। इस तरीके से राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र तांबे के क्षेत्र में होने के साथ साथ ये देश का भी एक महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक केंद्र है, इसीलिए यहाँ पर इस क्षेत्र में तांबा शोधन कारखाने की स्थापना इस क्षेत्र के अंदर की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्षेत्र आता है खोद निर्माण क्षेत्र। नेक्स्ट है कोदरीका क्षेत्र। कोदरीका क्षेत्र तांबे की जो खान है, ये क्षेत्र जो है ये अलवर जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी स्थिति अलवर जिले से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम दिशा में कोदरीका गांव है। वहां पर इस तांबे के क्षेत्र की स्थिति है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर लगभग 3% शुद्धता वाला तांबा आयस्क जो है उसका यहाँ पर 50 लाख टन का भंडार होने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो तांबा निकल रहा है, तांबे की उत्पत्ति जो प्राप्ति हो रही है यहाँ पर, उसमें शुद्ध रूप में यहाँ पे 3% ही शुद्धता तांबे की यहाँ मानी गई है। और ऐसे तांबे के जो भंडार है वो इस कोदरीका क्षेत्र के अंदर लगभग 50 लाख टन भंडार का यहाँ पर अनुमान लगाया गया है। ये संभावना है कि इस कोदरीका क्षेत्र से जहाँ से तांबे की प्राप्ति हो रही है, इस क्षेत्र में 50 लाख टन जो तांबे का आयात है इसके भंडार यहाँ पर उपलब्ध है। दरीबा जो क्षेत्र है इसमें जो तैयार सामान होता है स्मेल्टिंग करने के लिए, उसको पिघलाने के लिए और उसको शोधित करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए खेतड़ी तांबा परियोजना के अंदर इसको ले जाया जाता है। खेतड़ी के अंदर जो हिंदुस्तान तांबा निगम है वहां पर इसको शुद्ध करने का कार्य किया जाता है। तो यहाँ से उत्पादित जो तांबा है उसको शुद्ध रूप में लाने के लिए हिंदुस्तान तांबा निगम खेतड़ी तांबा परियोजना जो है वहां पर इसको ले जाया जाता है, वहां पर इसको शुद्ध रूप दिया जाता है, इसको शोधित करने का कार्य किया जाता है। वर्तमान समय में ये जो कोदरीका की खान है इसका विकास हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि हिंदुस्तान तांबा लिमिटेड जो एक सरकारी उपक्रम है केंद्र सरकार का, उसके द्वारा इस कोदरीका क्षेत्र के अंदर जो तांबे की खान है इसका विकास कार्य किया जा रहा है। अलवर जिले के अंदर थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपुरी, भगत का पास, ये जो गांव है इन सभी गांवों के अंदर तांबे की खानों का यहाँ पर विस्तार फैला हुआ है, जिनसे तांबे का प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो इस तरीके से राजस्थान का
दूसरा महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक केंद्र के रूप में अलवर जिले का वो गरेबा क्षेत्र है जो अलवर से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट तांबा उत्पादक क्षेत्र जो है राजस्थान का वो आता है देलवाड़ा के नाम क्षेत्र। ये क्षेत्र तो झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है और ये क्षेत्र कोदरीबा अलवर जिले में स्थित है और ये जो देलवाड़ा के नाम क्षेत्र है तांबा उत्पादन का ये क्षेत्र उदयपुर जिले के अंदर। ये देलवाड़ा के नाम जो क्षेत्र है ये उदयपुर से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर देलवाड़ा गांव है। उसके पास ही तांबे के उत्पादन की खान यहां पर स्थित है जिन खानों से उदयपुर के अंदर भी तांबे का प्रोडक्शन यहां पर किया जा रहा है। तो ये राजस्थान का दक्षिणी राजस्थानी जो भाग है वहां से उत्पादित किया जाने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ तांबे का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों के अंदर ऐसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के जो अन्य जिले हैं उनमें भी कुछ मात्रा में तांबे का प्रोडक्शन किया जा रहा है। उनको लेकर समूह के अंदर अन्य क्षेत्रों के अंदर उसको रखते हैं जिसके अंदर हम राजस्थान के उन क्षेत्रों की बात करेंगे जहां पर कम मात्रा में तांबे का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि भोपाल सारा जो है इससे लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर गरीबी गांव के पास में यहां से भी तांबे की प्राप्ति हुई है। बीकानेर के अंदर बीकासर गांव में गांव के खान यहाँ तांबे का उत्पादन किया जाता है जो बीकानेर जिले के अंदर है। इसी तरीके से पुर क्षेत्र है, पुर के पास का जो क्षेत्र है वहां से भी तांबे का उत्पादन प्राप्त किया जाता है जो कहाँ है भीलवाड़ा के अंदर है। यहाँ ये क्षेत्र छोटे जगह है लेकिन उनसे भी कुछ मात्रा के अंदर राजस्थान को तांबे की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ इसके अलावा चूरू डूंगरपुर कोटा और झालावाड़ जिलों के अंदर भी कुछ मात्रा में बिखरे हुए क्षेत्रों के अंदर तांबे की प्राप्ति यहाँ पर होती है। इसी तरीके से उदयपुर का संजनी क्षेत्र उदयपुर के अंदर जो अंजनी क्षेत्र है वहाँ और इसके साथ ही जो दूसरा क्षेत्र है जगत की खेड़ी वहां पर भी उदयपुर में तांबे का उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ बूंदी जिले की बात की जाए तो बूंदी जिले का जो क्षेत्र है गरधारी देवधुआ और कोरमा इन क्षेत्रों से भी यहाँ पर तांबे की प्राप्ति की जाती है। और सवाई माधोपुर की बात करें तो सवाई माधोपुर में खोखरा सतपुरा जो क्षेत्र है वहां से भी ये क्षेत्र सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है यहां से भी तांबे की प्राप्ति की जाती है। और इसी तरीके से इसराहल क्षेत्र है जो अलवर जिले के अंदर आता है यहां से भी तांबे की प्राप्ति की जाती है। तो ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहां से
नेक्स्ट खनिज है राजस्थान में सोना। गोल्ड जिसे बोला जाता है, बोलिया अजारी क्षेत्र है, यानी कि ये जो क्षेत्र है ये सभी सिरोही
जिले के अंदर आते हैं और सिरोही जिले के अंदर इन सभी क्षेत्रों में जो अन्य एलोह धातु है यानी कि जिनमें लोह तत्वों की कमी पाई जाती है, लोह तत्व जिन धातुओं के अंदर नहीं पाए जाते उन धातुओं के साथ में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में भी स्वर्ण अयस्क की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त हुई है। और ये सर्वेक्षण विभाग जो है भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग यानी कि इंडियन जियो सर्वे डिपार्टमेंट इसके द्वारा इन सबकी जानकारी प्राप्त की गई है और उन्हीं के आधार पर बताया गया है कि राजस्थान के अंदर जो सिरोही जिले के क्षेत्र है, बांसवाड़ा क्षेत्र है और डूंगरपुर जो जिले हैं उनके अंदर स्वर्ण अयस्क जो खाने हैं वहां से ऐसे धातुओं के साथ यानी कि ऐसे धातु जिनमें लोह तत्व की मात्रा नहीं होती उन धातुओं के साथ में स्वर्ण अयस्क की जानकारी पता चली है। बांसवाड़ा के अंदर जगपुरा जो क्षेत्र है उसमें भी सोने का भ्रमण करने का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है यानी कि राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले के अंदर सबसे अधिक मात्रा में जगपुरा में सोने का दोहन करने का कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो कंपनी है इसके द्वारा यहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से भारतीय राजस्थान के अंदर सोना खनिज स्वर्ण खनिज के रूप में जिनके क्षेत्र राजस्थान के अंदर बहुत ही कम मात्रा में है, सीमित मात्रा के अंदर है, फिर भी राजस्थान में कुछ न कुछ मात्रा में स्वर्ण अयस्क की प्राप्ति भी हो रही है। तो ये बात की अपनी राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले धातु खनिज मेटालिक खनिज के बारे में जिनमें ऐसे खनिजों को हमने डिस्कस किया है जिसमें खनिजों की प्राप्ति धातुओं के साथ हो रही है जिसमें हमने लोह अयस्क तांबा टंगस्टन और सोना ऐसे खनिजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इसके साथ ही राजस्थान में जो प्राप्त होने वाले मेटालिक आयन मिनरल्स हैं यानी कि जो धातु खनिज हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो दूसरा जो खनिजों का प्रकार है जिसका नाम है अधातु खनिज यानी कि नॉन मेटालिक खनिज उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनमें धातुओं की मात्रा नहीं पाई जाती है उन खनिजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सभी जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं धातु खनिज यानी ऐसे खनिज जिनके साथ धातु की मात्रा भी प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अधातु खनिज यानी कि नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में जिसका मतलब क्या है।
जाता है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है ये मुख्य रूप से उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और अजमेर जैसे जिलों के अंदर इसकी प्राप्ति हो रही है। तो हम इसके जो इन जिलों के अंदर जो इसके प्रोडक्शन क्षेत्र हैं, प्रोडक्शन एरिया हैं, उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यानी कि जो एस्बेस्टस की प्राप्ति के क्षेत्र हैं, जो खास है राजस्थान के अंदर जिनसे एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति हो रही है, उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।